हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल नीताज केक एंड बेक। आज की इस वीडियो में हम ट्रफल केक बनाएंगे। चॉकलेट ट्रफल केक चॉकलेट घनास से बनती है, उसमें हम क्रीम का यूज़ नहीं करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने चॉकलेट स्पंज रेडी कर लिया है और चॉकलेट स्पंज को मैंने यहाँ पे 3 लेयर में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1 लेयर को केक के बोर्ड पर रखा है और उसको मैं पानी से सोक कर लूँगी। पानी से सोक करने के बाद अब मैं केक के स्पॉन्ज पर चॉकलेट घनास लगाऊंगी। यहाँ पे हमें चॉकलेट घनास थोड़ा थिक चाहिए। ये चॉकलेट घनास मैंने 2:1 रेशियो से बनाया है। चॉकलेट घनास को मैंने 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था। चॉकलेट घनास को हम अच्छी तरह से केक पे लगा लेंगे। अब हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। मैं अब दूसरा लेयर रखूँगी, फिर उसको पानी से सोक करूँगी, फिर उसके ऊपर मैं चॉकलेट घनास लगाऊँगी। वैसे ही मैं तीसरा लेयर लूँगी, उसके ऊपर मैं पानी लगाऊँगी और उसके ऊपर भी मैं चॉकलेट घनास से पूरे केक को कवर कर लूँगी। चॉकलेट घनास से केक को कवर करके मैं उसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। चॉकलेट घनास केक के ऊपर सेट हो जाने के बाद मैं अब उसके ऊपर फाइनल आइसिंग करूँगी। यहाँ पे मैंने चॉकलेट घनास को थोड़ा लिक्विड कर लिया है। अब उसको मैं पूरे केक पर अच्छी तरह से फैला लूँगी। अब मैं केक के ऊपर पैलेट नाइफ की मदद से स्वर्ल डिज़ाइन कर लूँगी। बस ऐसे हमारा ट्रफल केक बनके रेडी हो गया है। अब मैं केक के ऊपर थोड़े चॉकलेट गार्निशिंग रख दूँगी और थोड़े शुगर बॉल से केक की डेकोरेशन कर लूँगी। ऐसे मेरा केक बनके रेडी हो गया है। ये चॉकलेट गार्निशिंग मैंने सिलिकॉन मोल्ड में ही बनाए थे। केक रेडी हो जाने के बाद अब उसको हम फ्रिज में रख देंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।